चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इज ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एफ और ये हमारे चार ऑप्शन है हैं सो right? so, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डायग्राम बनाते हैं so, सो आपका पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये आपका ए टी होगा इस डायरेक्शन में अगर है तो और ए आर होएगा इस डायरेक्शन में डेफिनेटली इसको होना पड़ेगा राइट सो so, पहला ऑप्शन है ए आर इक्वल टू जीरो एंड ए टी इक्वल टू जीरो ना ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपका एक मिनट रेडियल रेडियल एक्सलेशन तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है रेडियल एक्सलेशन कैन नॉट बी जीरो इसको जीरो अगर कर देंगे तो आपका मोशन सर्कुलर नहीं होएगा सिमिलरली ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता यहाँ पे ए आर जीरो है राइट सो थर्ड ऑप्शन है ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो नेक्स्ट है ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो ए टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो नाउ अगर हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उस केस में आपका ए टी शुड बी इक्वल टू जीरो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए यह वाली आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी अगर ए टी नॉन जीरो है तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होएगा एंड हैंस ऑप्शन नंबर थ्री वुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन